हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता माहेश्वरी फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बच्चों आइए, आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हिंदी में मैं आपको एक नया टॉपिक करा रही हूँ। ये हमारा ग्रामर का ही टॉपिक है। आज मैं आपको क्या लिखा रही हूँ? प्रार्थना पत्र, बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र क्या होता है? सबसे पहले बच्चों ये समझो, जैसे आप स्कूल डेली आते हो, अचानक आपको कोई फीवर आ रहा है या फिर आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको कहीं बाहर जाना है, तो स्कूल से ऐसे थोड़ी नहीं आप बिना इन्फॉर्म किए और आप ऐसे ही छुट्टी कर लेते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आपसे हम लीव लेते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं आप एप्लीकेशन हमें लाके दीजिए, लीव एप्लीकेशन लिखिए। अगर कहीं बाहर जाना है उसके लिए अलग होती है, आप बीमार हो उसके लिए अलग होती है। तो स्कूल में भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है? उसके लिए हम एप्लीकेशन देते हैं स्कूल में, ठीक है? तो आज वही मैं आपको बता रही हूँ कि आप हिंदी में कैसे लिखेंगे प्रार्थना पत्र। ये हम लिख रहे हैं बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र। बीमारी, अगर आप बच्चों बीमार हो तो उसके लिए कैसे आप प्रार्थना पत्र लिखकर स्कूल में जमा करेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सेवा में। ये लाइंस का बहुत ध्यान रखना है, ऊपर की फोर लाइंस में ये कंप्लीट होगा। ये नहीं है कि सेवा में आपका इस लाइन में आ गया फिर आप इसी के आगे लिख देंगे, फिर उस लाइन को ब्लैंक छोड़ेंगे, नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, यहाँ लिखेंगे श्री प्रधानाचार्य जी, ओके, आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। हमारे स्कूल का नेम हो गया बल्लभगढ़। ये हम अलग अलग लाइन्स में लिखेंगे बच्चों, ओके। आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरा एक साथ लर्न नहीं करना है, सबसे पहले हमें ऊपर का फॉर्मेट ही याद करना है। हम इतना ही लिख लिख कर देखेंगे और अलग अलग लाइन में लिखना है बच्चों, सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे श्रीमान जी, ओके। आगे लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, इस कारण मैं स्कूल नहीं आ सकती हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे दो दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। बच्चों सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, है के साथ जो भी की आता है उस पर छोटी ई की मात्रा ही आती है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने लिखा इस कारण मैं स्कूल नहीं आ सकती हूँ। अगर यहाँ पर गर्ल है तो वो सकती लिखेंगी और बॉय है तो सकता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? ये तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना? अगर आप बॉय हो तो यहाँ क्या लिखोगे, इस कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ, ओके, और गर्ल हो तो सकती हूँ, ठीक। यहाँ तक हमारा हुआ, आपकी अति कृपा होगी। आगे लिखेंगे सधन्यवाद। फिर उसके बाद यहाँ पर साइड में अलग अलग लाइंस में लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या। यहाँ पर नाम, देखो नाम की जगह मैंने ब्लैंक छोड़ी है, अपना अपना यहाँ पर नाम फिल करेंगे। कक्षा, अपनी कक्षा लिखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा तिथि, ठीक है, तिथि का मतलब डेट। जिस भी डेट को आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं या आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिखते हैं, ओके बच्चों, समझ में आया? तो देखो जो बॉय होंगे वो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका, आपकी नहीं, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, बोल कैसे लिखेंगे, शिष्य, देखो इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ठीक है। और जो गर्ल्स होती हैं वो लिखेंगे शिष्या, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना, ये बच्चों एक साथ आपको याद नहीं होगा, मैं फिर भी आपको बार बार कहूंगी, आप पहले ऊपर की फोर लाइंस अच्छे से लर्न कर लेंगे, चाहे आपको दो दिन में लर्न हो, ठीक है। जब वो लर्न हो जाएगा उसके बाद आप आगे ये जो मैटर है इसको लर्न करेंगे, धीरे धीरे फिर इसको लर्न करेंगे। हो सकता है आपको 10 डेज लग जाए इसको लर्न करने में, लेकिन आराम से लर्न करना, कोई मिस्टेक नहीं हो, इसको बार बार लिख के देखना, केवल आपको वर्बली बोलने से ही ये याद नहीं होगा, ठीक है। आप बोल लोगे लेकिन लिखने में बहुत मिस्टेक होती हैं, तो फिर अगर हम ऐसे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर में ऐसे लिखेंगे तो हमारे आधे मार्क्स तो उसी में कट जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें जितना याद हो रहा है उतना हम थोड़ा थोड़ा पहले से लिख लिख के देखेंगे अपनी कॉपी में, जो मिस्टेक होती है उसे दोबारा लर्न करेंगे, फिर दोबारा लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको अपने एक बार नोट कर लेना अपनी पेयर नोटबुक में, उसके
उसके बाद अच्छे से लर्न करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।